22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले बीजेपी ने यूपी के सभी मंदिरों पर चलाया विशेष सफाई अभियान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर झाड़ू लगाकर उठाया कूड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, 500 वर्षों के इंतजार के बाद श्रीराम के नव्य, भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने का उत्सव सिर्फ अयोध्या का नहीं, यह हर गांव, हर घर और हर जन का उत्सव है। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली परिसर में अमन कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन। एसडीएम ने बताया, भगवान श्री राम सभी के आदर्श, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन सभी मनाए दीप उत्सव। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुआ 8/1 वेटरन डे। सेवाकाल के दौरान अदम्य साहस एवं बलिदान का परिचय देने वाले पूर्व सैनिकों को प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। संभल में सिख समुदाय के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाशोत्सव पर प्रभात फेरी का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग रहे मौजूद। संभल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया मकर संक्रांति का पर्व। सामाजिक संगठन ने खिचड़ी के सहभोज का आयोजन कर लोगों को किया प्रसाद वितरित। मुरादाबाद में तेज रफ्तार टैंकर ने साइकिल सवार छात्रा को कुचला। हादसे में छात्रा की मौके पर हुई मौत। टैंकर चालक टैंकर छोड़कर हुआ फरार। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया। बिजनौर जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सर्दी और कोहरे को देखते हुए 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को 17 जनवरी तक कराया बंद। धामपुर में 3 लोगों की हुई दुर्घटना में मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिले पहुंचे विधायक अशोक कुमार राणा। ट्रैक्टर ट्राली में ऑल्टो कार घुसने से 3 दोस्तों की हुई थी दर्दनाक मौत। धामपुर में केएम इंटर कॉलेज के मैदान में साथी फाउंडेशन द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस दौरान कई स्कूल के विद्यार्थियों में लिया भाग। बिजनौर में बुजुर्ग महिला की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। बेटे और बहू ने जमीन के लिए कुल्हाड़ी से काट कर की थी हत्या। बेटी ने अपनी भाभी पर ही हत्या का लगाया था आरोप। बिजनौर में आमजन की सहभागिता बढ़ाने के लिए गौशालाओं में बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित करें तथा गौ आश्रय स्थलों को आकर्षित रूप में करें विकसित। नोडल अधिकारी हरिकेश चौरसिया द्वारा निरीक्षण के दौरान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के दिए गए निर्देश। चांदपुर में 2 बच्चों की मां मादा तेंदुआ पिंजरे में हुई कैद। 1-2 वर्षीय तेंदुआ 1 दिन पहले भी पिंजरे में हुआ था कैद। वन विभाग की टीम गुलदार का रेस्क्यू कर ले गई अपने साथ। अमरोहा के गजरौला में दिल्ली लखनऊ रेल लाइन पर एक यात्री की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। क्षत विक्षत हालत में रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा मिला शव। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा में एक प्रेमिका ने प्रेमी द्वारा शादी की बात से इनकार करने पर ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या। रेलवे ट्रैक किनारे लहूलुहान हालत में पड़ा मिला प्रेमिका का शव।
परिजनों के अनुसार 4 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग। अमरोहा में फिर एक बार खेतों में घूमता दिखाई दिया तेंदुआ। ग्रामीणों ने तेंदुए का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर किया वायरल। डीएफओ ने गांव में पिंजरा लगवाने की कही बात। संभल में गेहूं की रखवाली करने खेत गए किसान का झोपड़ी में मिला शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच की शुरू। संभल में आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। अस्पताल में इस दिन होने वाली डिलीवरी को लेकर खास तैयारी। डॉक्टर ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन जन्मे बच्चों को दिए जाएंगे उपहार। मुरादाबाद पुलिस ने 2 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार। स्वयं सहायता समूहों को कॉल पर किस्त जमा करने का झांसा देकर करते थे ठगी। फर्जी आईडी से खरीदते थे सिम। मुरादाबाद में विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाजपा के जिला पंचायत सदस्य ने मंच पर बैठने को लेकर ग्राम प्रधान के पिता से हुई कहासुनी के बाद की फायरिंग। पुलिस ने की रिपोर्ट दर्ज। मुरादाबाद में एक महिला होमगार्ड ने एक फौजी पर दुष्कर्म का आरोप लगाकर दर्ज कराई FIR। पीड़िता ने बताया, सिपाही बनवाने का लालच देकर की दोस्ती, फिर शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल।